SN लाइव सच सबसे आगे। दरोली में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने महिला को मारी गोली। दरोली थाना क्षेत्र के सरना गांव में रविवार की देर शाम बाइक सवार अज्ञात तीन बदमाशों ने महिला को गोली मार दी और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर होने के कारण चिकित्सक द्वारा गोरखपुर रेफर कर दिया गया। घायल महिला की पहचान सरना निवासी राजेंद्र सिंह की पत्नी उर्मिला देवी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि रविवार देर शाम उर्मिला देवी अपने घर में भोजन बना रही थी, तभी एक बाइक पर सवार अज्ञात तीन बदमाश आए और उस पर फायरिंग कर फरार हो गए। गोली महिला के सिर में लगी। स्वजन आसपास के लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां उसकी स्थिति गंभीर होने के कारण चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया गया। घायल महिला का इलाज गोरखपुर अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर दरोली थाना अध्यक्ष रितेश कुमार मंडल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी मृतक के स्वजन द्वारा थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जाता है कि पूर्व में भी घायल महिला के पुत्र पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई थी, इसमें वह बार बार बच गया था। सिवान से एसएन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। कैरियर में भरी ऊंची उड़ान श्रेया मरीन एकेडमी के संग, एकमात्र ऐसा संस्थान जहां से आप 3 साल में अपने सपनों को कर सकते हैं पूरा। इसके साथ ही छात्रों को मिलेगी 8,000 से 12,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति 3 साल तक हर महीने। 10वीं 12वीं पास छात्रों के लिए है सुनहरा मौका, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा संपर्क नंबर है 9576888811। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।